गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षा, क्या इधर आप में से कोई शिक्षा का महत्व जानता है? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। काफी सालों पहले एक राजा था। वो राजा जंगल में शिकार करने गया। बारिश का मौसम होने के कारण यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है कि कब अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, और वो आ भी यही। सूरज डूब गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। अंधेरे के कारण राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकान के कारण राजा परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने तीन बच्चे खेलते हुए दिखे। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम कहीं से मेरे लिए थोड़ा भोजन और पानी ला सकते हो? तीनों बच्चों ने अपने अपने घरों से थोड़ा भोजन और पानी लाया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरा करूंगा। पहले बच्चे ने कहा, महाराज मुझे धन चाहिए, कारण मैं बहुत मुश्किल से दो हफ्ते की रोटी खा पाता हूँ और मैंने कभी अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए हैं। दूसरा बच्चा कहता है, महाराज मुझे एक बड़ा आलीशान बंगला और एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। राजा तीसरे बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तीसरा बच्चा कहता है, महाराज मुझे ना धन, पैसा, गाड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे शिक्षा दीजिए, कारण मैं पढ़ लिख कर ही विद्वान बन सकता हूँ। राजा उस बच्चे की बात सुन के प्रभावित हुए थे, इसलिए राजा ने उस बच्चे की शिक्षा लेने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की। कुछ साल बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, राजा ने उस बच्चे को अपना मंत्री घोषित किया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री तुम्हारे वो दो दोस्त कहाँ हैं? मैं तुम तीनों को फिर से एक बार साथ में देखना चाहता हूँ। मंत्री ने उन दोनों को, राजा ने उनको भोजन के बुलाया है यह संदेश भेज दिया। वो दोनों राजा के महल पहुँचे। राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फिर से तुम तीनों को एक साथ देखा है, लेकिन तुम दोनों क्यों इतने उदास हो? जिस बच्चे ने धन मांगा था उसने कहा, महाराज आपके दिए हुए धन के कारण मैं आलसी हो गया और कोई काम नहीं कर पाया और मेरा आधा धन चोरी हो गया, इसलिए मैं अभी मेरे पहले की स्थिति में ही हूँ। जिस बच्चे ने बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगा था उसने कहा, महाराज मेरा बंगला और घोड़ा गाड़ी मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने हड़प लिया है और मैं अभी मेरे पहले की स्थिति में ही हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन, दौलत, पैसा, ये सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन शिक्षा ये ऐसी चीज है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में शिक्षा का महत्व जानो और तुम और मैं हम सब पढ़ लिख कर ही विद्वान बन सकते हैं। राधे राधे।